एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम के बाद पौड़ी की बेटी अंकिता का शव मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया गया था। वहीं आज अंकिता का अंतिम संस्कार अलकनंदा नदी के तट पर पात्र घाट पर होना था, लेकिन परिजनों ने आज अंतिम संस्कार रोक दिया है। आपको बता दें कि परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल हो सकती है। आपको बता दें कि अंकिता के भाई का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं अंकिता के पिता का कहना है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में रिजॉर्ट में अंकिता का कमरा तोड़ दिया, उसमें सबूत हो सकते थे। अब जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आएगी तब ही अंकिता की अंत्येष्टि की जाएगी। वहीं प्रशासन की टीम अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को मनाने में जुटी है। विकासखंड पौड़ी के ग्राम पंचायत श्रीकूट के राजस्व गांव भूरू की बेटी अंकिता की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है। मनंतरा रिजोर्ट के तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि सबूत मिलते वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है, तो दूसरी मांग है कि लड़की का देश सरकार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। हो सकता है इसमें दालों को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं अपनी लड़की का देश संस्कार करूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देश संस्कार, अपने बहन का देश संस्कार करेंगे। हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। मैं हमारी बात वहाँ चलिए, जैसे ही चीज़ें क्लियर होती आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं।